ओम नमः शिवाय। शिवतंत्र ज्योतिष में आपका स्वागत है। ज्योतिष एवं वैद्य सम्राट स्वर्गीय दरबारी लाल शर्मा जी के पांचवी पीढ़ी के तंत्राचार शास्त्री लोकेश पागल जी हाँ यूट्यूब चैनल पर आप लोगों की सेवा में बना हुआ हूँ बड़े ही विलक्षण तंत्र को लेकर के। यानी हिंदुस्तान में तंत्र जहाँ कभी था कहीं वहीं ले जाने का हमारा कार्य और हमारे संस्थान का चल रहा है। तंत्र के नाम से लोगों में भय उत्पन्न होता था कि मारण होता है, वशीकरण होता है, तंत्र बहुत गलत है, अघोर तंत्र होता है। ऐसा नहीं, हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं। तंत्र बहुत अच्छा है, भगवान शंकर के मुख से निकला हुआ यह तंत्र है और भगवान शंकर भला कभी गलत नहीं कर सकते। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जो सुंदर है वो बदसूरत कभी नहीं हो सकता। तरीका होना चाहिए प्रयोग करने का। अगर किसी, अब मान लीजिए आपके यहाँ बिजली है, उसमें सॉकेट में आप उंगली टच करेंगे तो करंट मारेगा, नेगेटिव हुआ। और फैन का बटन ऑन करेंगे, फैन चलेगा, आराम मिलेगा गर्मी में, पॉजिटिव हुआ। ऐसे ही हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव दो पहलू हैं। तो तंत्र बहुत अच्छा है, आइए तंत्र में लेके चलते हैं। और वही हमारा पर्सनल कंसल्ट करने का चार्ज 501 रुपये। अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं, प्रॉब्लम को स्कैन करा सकते हैं और अपनी वो खुशी वापस ले सकते हैं जो कभी थी या नहीं मिली है उसे पा सकते हैं। और कहाँ आपका लक बैड हो रहा है उसको स्मार्ट लक कर सकते हैं, वेस्ट लक में बदल सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ शिवतंत्र ज्योतिष पर। और हमारा फ्रेंचाइजी का चार्ज ओपनिंग हो गया है सिर्फ 2100 रुपये में। हमसे फ्रेंचाइजी लेकर के ऑफिस मेंटेन कर सकते हैं और वहाँ जो भी भक्तों की प्रॉब्लम हो उसके लिए सॉल्यूशन को स्कैन करने के लिए हमें वहाँ बुला सकते हैं। ऑफिस खोलिएगा जगह जगह, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर प्रदेश में, हर देश में, सबको ये अहम कार्य चल रहा है। और ज़रूरी नहीं कि ब्राह्मण पुजारी हैं वो ही खोलें, या प्रोफेशनल जो भी कार्य करना चाहते हैं इसको, तंत्र को, वो ऑफिस बना सकते हैं तंत्र का, शिवतंत्र ज्योतिष फाउंडेशन रजिस्टर्ड भारत सरकार का। और वहाँ जो भक्तों को प्रॉब्लम है उनको एकत्रित करके हमको डेट दी जाए, जिस डेट पे हम वहाँ पहुँचें, स्कैन करें और उनको सॉल्यूशन दें। और मात्र 2100 रुपये फ्रेंचाइजी, इतनी सस्ती किसी भी चीज़ की फ्रेंचाइजी नहीं आती। परचून की दुकान के सामान के लिए वो भी लाखों में आती है। सिर्फ हमारा उद्देश्य ये है कि हम हर घर देहरी तक पहुँचें, इस माध्यम से सबकी समस्याओं को ख़त्म कर दें। ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है और चलता रहेगा और चलता आया है। अब यूँ तो कुछ लोग हमसे भी नाराज़ होते हैं, तो होते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो पागल हैं तो पागल पे क्या फ़र्क, नाराज़ होइए, खुश होइए, लेकिन जो करना है वो कर रहे हैं। चलिए, जिसके लिए वीडियो बनाया है उस टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। अगली वीडियो में बताएंगे कि माँ दुर्गा की असीम कृपा पाने के लिए किस प्रकार से दीपक जलाएं अष्टमी वाले दिन। अब तक जो किया वो कोई बात नहीं, लेकिन मेन चीज़ अष्टमी तिथि है और आगे के लिए भी बताते रहेंगे दीपकों के बारे में। तो अगर ये बात ही है आपके पास, ये बीच में खड़ी होने वाली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कैसे भी जलाइए, इसकी कोई दिशा नहीं होती। और आपके पास बात ही ये है तो ये यूँ दीपक में जब लग जाती है ऐसे, तो इसको, इसका जो लौ है वो उत्तर पूर्व और दक्षिण में नहीं होनी चाहिए, पश्चिम दिशा की तरफ इसकी लौ कर दीजिए दीपक में। वो माँ दुर्गे की दिशा है पश्चिम। आपको अति तीव्र, अति शीघ्र, यानी तीव्र और शीघ्र इसका ऐसा रिएक्शन मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इसको और ज़्यादा ब्रिलियंट बनाना है, जो आपका मनोकार्य है उसको लाल पेन से लाल पर्ची पर लिख के और दो लौंग रख के फोल्ड करके उस दीपक में डिप कर दीजिए और फिर आप दीपक जलाइए और देखिए किस प्रकार से किस तरह से आपके यहाँ मंगल आता है, अमंगल को विदा करता है, किस प्रकार से आपको खुशी मिलती है। तो दीपक को लेकर के हमारी बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगे आगे। दीपक बहुत बड़ा महत्व रखता है आपके जीवन में, कि दीपक जला तो रहे लेकिन नुकसान हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों है, बत्ती किस कलर की लगाई है आपने, या दिशा कौन सी है, दीपक को पकड़ा कैसे है, बहुत ही विलक्षण जानकारी दूंगा
विलक्षण तंत्र दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, शिव तंत्र ज्योतिष पर मिलाइए हमारा फोन और आ जाइए अपनी खुशी की दुनिया में लौट के, जहाँ कभी खुशी आपकी थी जो जुदा हो चुकी है। ओम नमः शिवाय।